नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के वीकली आउटलुक पर। इस वीकली आउटलुक में हम ये जानेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से होंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें इक्विटी मार्केट की, तो हमने देखा था कि ग्लोबली मार्केट एक पॉजिटिव नोट पर क्लोज होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, जो कि करीबन 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 35,089 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी हमने तेज़ी बनते हुए देखी। यूनियन बजट 2022 पेश होने के बाद हमने देखा मार्केट ने बजट का वेलकम किया और मार्केट जो है वो पॉजिटिव नोट पर क्लोज होती हुई देखी गई। सेंसेक्स करीबन 2.53% की तेज़ी के साथ 58,664 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं निफ्टी भी करीबन 2.42% की तेज़ी के साथ 17,244 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16,800 से लेकर 16,400, रेजिस्टेंस 17,600 से लेकर 17,850 रहेगा। हमने देखा जो लेवल्स हमने पिछले हफ्ते दिए थे, मार्केट उसी रेंज में बीच मूव करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि हमने देखा कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेवल से कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी गई। मगर जिस तरीके से हमने ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन देखा है और डोमेस्टिक मार्केट में बजट आता हुआ दिखाई दिया है, उससे हमें लगता है कि अभी भी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। सपोर्ट लेवल्स के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। डॉलर में वीकनेस आने की वजह से हमने देखा पिछले हफ्ते में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। गोल्ड के भाव करीबन 0.71% के गेंस के साथ 47,924 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा स्पॉट गोल्ड करीबन 0.90% के गेंस के साथ 1,807 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। अगेन हमने देखा कि गोल्ड के भाव 1,800 डॉलर के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दिए। डॉलर में वीकनेस होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड में हमने आते हुए देखा। हमें लगता है अगले हफ्ते के लिए भी गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। डॉलर में जो वीकनेस देखने को मिली है और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, साथ में जो क्रूड के भाव हमने देखे 9 साल के हाइस पर, तो इन्फ्लेशन की वजह से एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पर सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से हमने देखा गोल्ड के भावों में अच्छी खासी तेज़ी लौटती हुई अगले हफ्ते भी देखने की देखी जा सकती है। अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल गोल्ड में सपोर्ट लेवल जो होंगे 47,600 से लेकर 47,300, रेजिस्टेंस 48,400 से लेकर 48,800। हमारा मानना है अगले हफ्ते मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है और गोल्ड के भाव 48,400 से लेकर 48,600 के बीच मूव कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में 1,830 डॉलर तक के लेवल देखे जा सकते हैं। सिल्वर के भावों में भी हमने एक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग होते हुए देखी। हालांकि सिल्वर का मार्केट लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। सिल्वर के भाव अगले हफ्ते करीबन 60,849 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में भी करीबन 22.49 डॉलर पर आउंस के स्तर देखने को मिले। सिल्वर में अगले हफ्ते के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है करीबन 60,200 से लेकर 59,300, रेजिस्टेंस 62,500 से लेकर 64,000 के बीच रहेगा। हमें लगता है अगले हफ्ते सिल्वर में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है और भाव करीबन 62,500 से लेकर 63,000 तक के लेवल को छू सकते हैं और डॉलर वाइज 23.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में अगले हफ्ते ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बेस मेटल की। बेस मेटल में हालांकि हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखी थी, मगर हमने देखा कि लोअर लेवल से मार्केट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया और कॉपर के भाव करीबन 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 756.25 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। डिमांड बढ़ने की वजह से हमने यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि चाइनीज़ मार्केट में हॉलीडे था, मगर डोमेस्टिक मार्केट में और बाकी मार्केट में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, जिसकी वजह से कॉपर के भावों में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। अगले हफ्ते भी हमारा मानना है बेस मेटल में कॉपर में एक तेज़ी का ट्रेंड कायम रह सकता है। कॉपर में इन्वेंट्री LME में इन्वेंट्री कम होने की वजह से मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। कॉपर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 747 से लेकर 739, रेजिस्टेंस 764 से लेकर 772 का रहेगा। हमारा मानना है अगले हफ्ते कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट ऊपर में 764 से लेकर 770 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। अब हम बात करें जिंक की, तो जिंक के भाव फ्लैट नोट पर क्लोज होते हुए देखे गए। करीबन 298.70 के स्तर पर जिंक के भावों में क्लोजिंग रही। जिंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 292 से लेकर 285, रेजिस्टेंस लेवल 307 से लेकर 314 का रहेगा। हमारा मानना है जिंक के अंदर भी लोअर लेवल पर खरीदारी एक्यूमुलेट हो सकती है और जिंक के भाव ऊपर में 303 से लेकर 305 तक के लेवल दिखा सकते हैं। एल्युमिनियम के भाव की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने फ्लैट नोट पे क्लोज होता हुआ देखा। हालांकि मार्केट फ्लो पॉजिटिव नोट पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया।
आधे परसेंट की गेंस के साथ एल्युमिनियम के भाव 246.20 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। एल्युमिनियम में स्ट्रांग सपोर्ट 240 से लेकर 234, रेजिस्टेंस 252 और 258 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है और एल्युमिनियम के भाव ऊपर में 252 से लेकर 255 के स्तर को छू सकते हैं। निकल यहाँ पर काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म रहा, ऑलमोस्ट 2.3% की तेजी के साथ निकल के भावों में 1742.60 के स्तर देखने को मिले। निकल में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1710 से लेकर 1680, रेजिस्टेंस लेवल 1770 से लेकर 1820। हमारा मानना है अगले हफ्ते भी निकल में तेजी का ट्रेंड रह सकता है और ऊपर में लेवल 1770 से लेकर 1780 तक के लेवल को दिखा सकता है। यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम नेट में देखें तो हमें लगता है ओवरऑल बेस मेटल के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ की जा सकती है। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जो कि सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मर रहा, ऑलमोस्ट 6% की तेजी के साथ क्रूड ऑयल के भावों में करीबन 6902 के स्तर देखने को मिले। ऑलमोस्ट 9 साल की हाइस पर हमने क्रूड के भावों को ट्रेड होते हुए देखा। जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई कम होने की वजह से, और साथ में हमने जो ओपेक मेंबर्स की मीटिंग देखी थी वहाँ पर हमने देखा था कि उन्होंने अनाउंस किया था कि वो 400,000 बैरल पर डे का प्रोडक्शन जारी रखेंगे। उसके बाद सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से, यूएस की इन्वेंट्री डिस्टर्ब होने की वजह से हमने यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी। अगले हफ्ते भी हमारा मानना है कि क्रूड के भावों में तेजी का ट्रेंड रहेगा। जैसा हमने पिछले हफ्ते प्रेडिक्ट किया था वैसा ही मार्केट का ट्रेंड देखने को मिला और अगले हफ्ते भी हमारा मानना है कि क्रूड के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते हमने देखा ब्रांड के भावों में $90 का जो महत्वपूर्ण एक रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक किया। अब हमें लगता है कि क्रूड के भाव, ब्रांड क्रूड के भाव अगले हफ्ते $97 से लेकर $98 तक के लेवल को दिखा सकता है। क्रूड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 6750 से लेकर 6480, रेजिस्टेंस 7100 से लेकर 7380। हमें लगता है क्रूड के भावों में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, ऊपर में 7100 से लेकर 7200 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था मार्केट के भावों में तेजी रहेगी, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हालांकि हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक गिरावट रही और नेचुरल गैस के भाव वीकली बेसिस पर 3% की गिरावट के साथ 350.30 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर जो सपोर्ट है करीबन 335 का और 320 का रहेगा, रेजिस्टेंस 375 से लेकर 400 का रहेगा। हमारा मानना है नेचुरल गैस के भावों में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, वो रेंज 335 से लेकर 375 के बीच रहेगी। हालांकि यहाँ पर एक रेंज मिला जो रुख देखने को मिला है, यूएस में ठंड होने की वजह से यहाँ पर लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है। हमारा मानना है कि नेचुरल गैस में 335 से लेकर 375 के बीच ट्रेडिंग की जा सकती है। अब हम बात करते हैं करेंसी की। करेंसी के अंदर हमने देखा है यूएसडी INR में एक लोअर लेवल देखने को मिले, डॉलर में वीकनेस आने की वजह से रुपी जो है यहाँ पर एप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया। करीबन 0.64% की एप्रिशिएशन के साथ 74.85 के लेवल्स यहाँ देखने को मिले। ट्रेंड अगर हम देखें तो यहाँ पर ओवरऑल साइडवेज है। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 74.40 से लेकर 73.90, रेजिस्टेंस लेवल 75.30 से लेकर 75.80। हमारा मानना है यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज 74.50 से लेकर 75.30 के बीच रहेगी। मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच मूव कर सकता है और थोड़ा बहुत यहाँ पर डेप्रिशिएशन हमें देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर डॉलर में लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। वहीं अगर हम यूरो की बात करें तो यूरो में हमने अच्छी तेजी आते हुए देखी। यूरो के भाव करीबन 2.22% के गेंस के साथ 85.79 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यूरो के अंदर डॉलर में वीकनेस आने की वजह से हमने बढ़त बनते हुए देखी। यहाँ पर ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। यूरो के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 85.30 से लेकर 84.60, रेजिस्टेंस 86.50 से 87.30। हमें लगता है यूरो INR के अंदर लोअर लेवल पर खरीदारी की जा सकती है और ऊपर में 86.50 से लेकर 87 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी की। एग्रीकल्चर के अंदर हमने सबसे पहले अगर देखें तो मार्केट में मिला जुला रुख देखने को मिला। अगर हम ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार के भाव करीबन 1.46% की गिरावट के साथ 6282 के लेवल पर बंद होते हुए देखे गए। जैसे हमने लास्ट वीक में हमने प्रेडिक्ट किया था कि ग्वार के भावों में एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल सकता है, वैसे ही ट्रेंड यहाँ देखने को मिला और ग्वार के भावों में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 6150 से लेकर 6500 का रहेगा। हमारा मानना है कि ग्वार सीड में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, नीचे भाव करीबन 6150 के स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉटन सीड ऑयल की, जहाँ पर हमने लास्ट वीक में नेगेटिव ट्रेंड प्रिडिक्ट किया था और वैसा ही ट्रेंड यहाँ देखने को मिला। इस हफ्ते क्रूड कॉटन सीड ऑयल के भावों में गिरावट रही, करीबन 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कॉटन सीड ऑयल के भाव 3116 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए।
यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट 3000 का और रेजिस्टेंस 3210 का रहेगा। हमारा मानना है अगले हफ्ते भी कॉटन सीड ऑयल की एक में बिकवाली के साथ ट्रेड लिया जा सकता है और नीचे टारगेट करीबन 3000 का हो सकता है। अब हम जीरे की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पॉजिटिव जीरा में देखने को मिला। जैसा हमने पिछले हफ्ते प्रिंट किया था वैसा ही ट्रेंड जीरा के अंदर देखने को मिला और जीरा के भाव करीबन 4.25% की तेजी के साथ 20,175 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड से लोअर एकरेज और पुअर क्वालिटी की क्रॉप कंडीशन की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमें लगता है जीरा के अंदर अगेन ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ पर सपोर्ट 19,600 से लेकर 19,000, रेजिस्टेंस 20,500 से लेकर 20,900 का रहेगा और अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में टारगेट 20,500 से लेकर 20,900 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर हम देखें ओवरऑल तो एग्रीकल्चर मार्केट में मसालों में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है, जबकि ग्वार सीड, ग्वारगम और कॉटन सीड ऑयल केक में हायर लेवल पर कुछ बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। तो ये था दोस्तों वीकली कमोडिटी का हाल। आशा करते हैं आपको अपनी ट्रेडिंग में ये बेनिफिट देगा। इसी तरह बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी ट्रेडिंग टिप्स हैं उसका फ़ायदा उठाएं। आशा करते हैं आप अपना कमोडिटी करेंसी का अकाउंट एक्टिवेट करेंगे और IIFL की इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।